चंडीगढ़ के मनी माजरा जामा मस्जिद में चल रहे मदरसे में बच्चों के साथ दुष्कृत्य की घटना के बाद अब संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर में भी 10 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कृत्य की घटना सामने आई है, जहां हैवानों की हैवानियत ने इंसानियत ही नहीं बल्कि समाज को भी शर्मसार कर दिया है। दरअसल ये पूरी घटना जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहमदनगर की है, जहां वालिद कुरैशी पर एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कृत्य करने के गंभीर आरोप हैं। वालिद पिछले कई महीनों से इस बच्चे को लालच देकर अपनी दुकान में बुलाता और उसके साथ घिनौनी हरकतें करता था। मासूम बच्चा रोज दुकान के पास से गुजरता था और वालिद इसका फायदा उठाकर उसे बार बार अपना शिकार बनाता था। पुलिस के मुताबिक इस कुकृत्य का शिकार बच्चा बीते कई दिनों से डरा हुआ और पीड़ा में जी रहा था, लेकिन अंततः उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को वालिद की घिनौनी हरकतों के बारे में बताया। बच्चे की आप बीती सुनकर माता पिता हैरान रह गए और तुरंत अपने बच्चे के साथ गोहलपुर थाने पहुंचे। वहां उन्होंने आरोपी वालिद कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाते हुए पीड़ित बच्चे की शिकायत पर आरोपी वालिद कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। एक अहमदनगर के 10 साल का बच्चा है, कल जो अपने माता पिता और परिजन के साथ थाना धौलपुर में आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि अहमदनगर में एक घोष की दुकान लगाने वाला राजा उर्फ वालिद कुरैशी निवासी मदार टेकरी मंडी के पास का रहने वाला है, जिसके द्वारा उनके साथ गलत कृत्य किया जा रहा है निरंतर, और उसे उठा के अपने गोश्त की दुकान में ले गया था, जिसकी गोश्त की दुकान अहमदनगर में ही है, और बच्चे के साथ गलत कृत्य किया गया है, जिसके संबंध में थाना गोहलपुर पे परिजनों के द्वारा शिकायत और बच्चे के द्वारा शिकायत करने पर वैधानिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। पुराने अपराध अभी देख रहे हैं, वो एक रहने वाले हनुमानताल के हैं, हनुमानताल से भी आपराधिक रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया है, जिसमें बलात्कार और बाल यौन शोषण से संबंधित धाराएं शामिल हैं। वालिद कुरैशी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहाँ अदालत ने उसे जेल भेज दिया है।